झारखंड सरकार द्वारा नव निर्मित संचरण परियोजनाओं का, और हम सभी किसी भी शुभ कार्य से पहले दीप प्रज्वलित करते हैं, अपने इष्ट से आह्वान करते हैं कि हम जो भी कार्य करें उसमें 100% सफल हो। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय एवं मंचासीन अतिथिगणों के कर कमलों से दीप प्रज्वलित हो रहा है। झारखंड सरकार द्वारा नव निर्मित संचरण परियोजनाओं के ऑनलाइन उद्घाटन के शुभ अवसर पर शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ आलोकित पथ करो हमारा, हे जग के अंतर्यामी, हम जो भी करें जहां भी करें हमारी राह को रोशन करना, हमें रास्ता दिखाना। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय का दीप प्रज्वलित कर विधिवत रूप से शुभारंभ हुआ। और निश्चित रूप से हम यही कामना करते हैं कि हाथ बढ़ाएं, दीप जलाएं, परिवर्तन लाएं, और उन जगहों पर जहां जहां ऑनलाइन उद्घाटन होने जा रहा है माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से निश्चित रूप से वहां का हर घर आलोकित होगा। और अब वो घड़ी आ गई है, वो समय आ गया है जब मैं सादर निवेदन करूंगी माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि आप रिमोट का बटन दबाकर ऑनलाइन उद्घाटन करें आज झारखंड सरकार द्वारा नव निर्मित संचरण परियोजनाओं का ऑनलाइन उद्घाटन करने का निवेदन माननीय मुख्यमंत्री महोदय झारखंड श्री हेमंत सोरेन से और अपने कर कमलों से ऑनलाइन उद्घाटन किया। जोरदार तालियां हम सबके शुभकामना मंगल कामना के लिए। और खिल उठा हृदय मेरा, दिशाएं अब बंधन नहीं, खुल गई राहें, सभी सपने पराए अब नहीं, सपने साकार हुए ऑनलाइन उद्घाटन के संग ही। अपना राज्य व्यवस्थित हो जिसमें नागरिकों को हर आवश्यक सुविधा मिले, शुद्ध हवा के साथ ही ऊर्जा निर्बाध आपूर्ति से मिलती रहे, झारखंड की जनता के चेहरे पर संतोष और सुकून का भाव हो, इसी कड़ी में माननीय मुख्यमंत्री महोदय का एक महत्वपूर्ण सार्थक कदम संचरण परियोजनाओं का उद्घाटन।
इस अवसर पर मैं सादर अनुरोध करती हूँ माननीय युवा मुख्यमंत्री झारखंड श्री हेमंत सोरेन से, सर आपके उद्बोधन शुभकामना एवं आशीर्वचन हेतु। आज यहां सब ग्रिड स्टेशन के उस उद्घाटन समारोह में हमारे साथ उपस्थित मंत्री, हमारे सहयोगी आदरणीय रामेश्वर राव जी, हमारे आदरणीय मंत्री चंपय सोरेन जी, आदरणीय मंत्री आलमगीर आलम साहब, आदरणीय मंत्री भोक्ता जी उपस्थित यहाँ हमारे गिरिडीह जिला के विधायक सुदीप्त कुमार सोनू जी, सरफराज अहमद साहब, विभाग के सचिव, राज्य के मुख्य सचिव एवं सभी पदाधिकारीगण उपस्थित यहाँ रांची मेयर आशा लकड़ा जी, यहाँ उपस्थित पत्रकार मित्रों, आप सभी का मैं इस कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और इस उद्घाटन कार्यक्रम के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। आज यहाँ 6 सब ग्रिड स्टेशन का ऑनलाइन उद्घाटन किया गया, गढ़वा, देवघर, गिरिडीह, गोड्डा, जमुआ, सरिया, इन सब जगहों पर। और ये लगभग 616 करोड़ के बजट से ये तैयार हुआ, ये सब स्टेशन्स हैं। और बिजली आज के लिए पूरे मानव जीवन के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण और बहुत ही कहा जाए कि ज़रूरी आवश्यकता बन गई है। पहले बिजली के विषय पर बहुत ज़्यादा लोग चिंतित नहीं हुआ करते थे ग्रामीण क्षेत्रों में विशेषकर, लेकिन जैसे जैसे समय बदल रहा है बिजली की महत्ता भी उसी तरीके से बढ़ रही है। और इसमें राज्य की सरकारों को, चाहे वो झारखंड का हो या इस देश का कोई भी राज्य हो या केंद्र सरकार हो, अनेकों योजनाओं के साथ साथ बिजली भी घर घर कैसे पहुंचे,
ये भी एक बहुत बड़ा कंपोनेंट सरकार के लिए होता है। और बिजली के बिना आज के दिन में कोई भी योजना की परिकल्पना थोड़ी सी बेमानी सी लगती है। पढ़ाई लिखाई से लेकर खाना बनाने से लेकर व्यवसाय तक बिजली की एक अहम भूमिका है। आज हम जिस सभागार में बैठे हैं, यहाँ पर भी बिजली की जो व्यवस्था है वो आप देख सकते हैं कि इस बिजली के नहीं रहने से आज हमारा ये ऑनलाइन कार्यक्रम भी शायद नहीं हो पाता। आज इसीलिए सरकार गांव-गांव, शहर-शहर, उद्योगों तक बिजली पहुंचाने के लिए संकल्पित है। सरकार बनी जुम्मा 4-5 दिन भी नहीं हुआ होगा, कोरोना ने हमें घेर लिया। कहा जाए कि सर मुड़ाते ओले पड़े, ये हालत रही हमारी सरकार की। और ऊपर से लॉकडाउन, देश की सारी व्यवस्थाएं ठप, जो जहां है वहीं, कोई गतिविधि नहीं। लोग भूख से न मरे, सरकार ने बड़े पैमाने पर हजारों की संख्या में पंचायतों में, प्रखंडों में लोगों को मुफ्त भोजन कराने का काम किया, राशन बांटे, तरह तरह के उपाय किए। ये स्थिति थी। जिस तरीके से इस संक्रमण में सरकार के द्वारा निर्देश दिए गए, झारखंड जैसे पिछड़े राज्य में तो पता नहीं कितने लोग भूखे मर जाते हैं। आज हमारी सरकार की तत्परता है कि आज यहाँ एक भी व्यक्ति भूख से नहीं मरा। और इस आज के दिन में भी जो कोरोना का जो संक्रमण है, मुझे इसके विषय में लगता है अब चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। आज बूढ़ा बुजुर्ग, हर बच्चा, हर नौजवान इस विषय को समझ रहा है, जान रहा है। आज इतनी बड़े पैमाने पर ये संक्रमण फैला है। पहले तो झारखंड में कम दिखता था और हमें भी बहुत अच्छा लगता था कि झारखंड में कोई भी पॉजिटिव नहीं मिल रहा है। तो ये अपने मुंह मियां मिट्ठू होने के जैसा लगता था। हम लोगों ने स्वास्थ्य व्यवस्था पर अपनी गति तेज की, लोगों के जांच करने के प्रक्रिया को हम लोगों ने गति दी। तो आपने देखा किस तरीके से ताबड़तोड़ लोग कोरोना संक्रमित मिले। लेकिन सरकार इससे हतोत्साहित नहीं है। हमारी हर घटनाक्रम पर नजर है और हर आपदा से लड़ने के लिए हम पूरी तरीके से तैयार हैं। लोगों को, उनके जान को भी बचाना सरकार की एक बहुत बड़ी चुनौती है। राज्य में लोग भूख से ना मरे, ये भी सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। इस कारण इस लॉकडाउन में कुछ चीज़ें खोली गई, कुछ चीज़ें नहीं खोली गई। आए दिन बहुत सारे संगठन बंद हुए व्यवस्था को चालू करने की सरकार से गुहार कर रहे हैं।
हमारी चिंताएं हैं। इस राज्य के 3.25 करोड़ लोगों की चिंताएं हमारी सरकार करती है और इस संक्रमण में बहुत संभलते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। आज राज्य में जो मौतें हुई हैं इस संक्रमण से, उस मौत से मैं भी काफी मर्माहत हूं, लेकिन अगर हम आंकड़ों के हिसाब से देखें तो जितने लोग संक्रमित हुए, जितने लोग ठीक हुए, इन सब में ये मौतों की संख्या लगभग 1.6% के लगभग होगा। ये तो चुनौती है, चुनौती से ये सरकार नहीं घबरा रही न घबराएगी, क्योंकि शुरू से ही हमने इस बात को भांप लिया था। जब दुनिया के बड़े बड़े देश आज इस संक्रमण से लड़ते लड़ते इनकी हालत पस्त है तो हम क्या चीज़ हैं। लेकिन इसके बीच में भी आज देश में हमारी स्थिति कोरोना को लेके अन्य राज्यों से बहुत बेहतर है, बल्कि अन्य राज्यों की वजह से हम थोड़ी सी जरूर लड़खड़ा जाते हैं। जो भी व्यवस्थाएं हैं हमारे पास, उनको प्रबंधन करते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आज ये हम लोगों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है कि आज इस संक्रमण में, इस लॉकडाउन में, इस कोरोना के वैश्विक महामारी के बीच में भी हम लोगों ने 6-6 सब स्टेशन शुभारंभ कर दिया, उस पर अब बिजली प्रभावित होने का काम चालू होगा। मुझे घर में लेबर नहीं मिल रहा है काम कराने के लिए अपने घर में, लेकिन आज जन भावनाओं को ध्यान में रखकर शुरू से ही हमने इस बात को कहा था कि बिजली विभाग आपके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। हम लोगों ने तो इसको और जल्दी करने की कोशिश की थी, लेकिन एक साथ कितने फ्रंटों में लड़ा जा सकता है। कोरोना महामारी भी देखनी है, सरकार की व्यवस्थाओं को भी चलाना है, फिर भी मुझे लगता है कि सरकार बनने के 1-2 महीने तक तो हम लोग अपना सर ही खुजाते रहे कि हम लोग करें तो क्या करें। जब थोड़ी सी चीज़ें अस्पष्ट तरीके से सामने आने लगी तो हमने कहा कि अब कोई उपाय नहीं है, अब इस जंग से भी लड़ना है, व्यवस्थाएं भी चलानी है। आज इस अनुसार लगभग जो गढ़वा जिला है, पलामू जिला है, दुमका देवघर है, गोड्डा है, गिरिडीह है, इन सब जिलों में बिजली की स्थिति में बड़े पैमाने पर बदलाव होगा। गढ़वा की तो स्थिति ये थी कि इनको तो अधिकतर इनकी जो डिपेंडेंसी थी, निर्भरता थी, वो यूपी बिहार से हुआ करता था और नतीजा पहले वो अपना पेट भरेंगे तब दूसरे का पेट भरेंगे वाला हाल था। बिजली के दिशा में भी वही हाल थी, 2-4-5 घंटा गढ़वा पलामू को मिल गया तो ये बहुत बड़ी बात थी और ये बड़ी उपलब्धि है कि पलामू गढ़वा क्षेत्र को जब कभी वहां बिजली की शक्ल तक लोगों ने नहीं देखी थी, हमारी सरकार थी 2000 जो पिछली सरकार में थी जब हम लोग को चलाने का मौका मिला था, उस समय पहली बार हम लोगों ने हटिया ग्रिड से उस पर मंडल को जोड़ने का काम किया था।
और आज ये सौभाग्य फिर ये हमारे समक्ष खड़ा है। आज उस परमंडल को एक सब स्टेशन दिया जा रहा है। अब निश्चित रूप से वहाँ के लोगों को भी बहुत लाभ मिलेगा। उसी प्रकार जसीडी का जो सब स्टेशन है, आपको मालूम होना चाहिए जो गिरिडीह जिला और देवघर दोनों के लिए एक बिजली के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि है, और इसके लिए हमें कुछ चीज़ों पर तो बहुत ज़्यादा लाभ मिलने वाला है। जैसे देवघर में एयरपोर्ट बन रहा है, वो लगभग अभी अंतिम चरण पर है अपने एयरपोर्ट को चालू होने में, उसका लगभग पूरा काम पूरा हो चुका है। दूसरा, आपको मालूम है कि वहाँ पर एम्स भी वहाँ बन रहा है, उसमें भी गति आएगी। तो इन सब चीज़ों को जो धीमी गति से चल रहा है उसे भी रफ्तार मिलेगा। गिरिडीह जिला में जो लगभग 120x132x133 केवी का जो ग्रिड सब स्टेशन का उद्घाटन किया गया है, गिरिडीह जिला के साथ साथ इस राज्य में कुछ जिले हैं, 5-7 जिले हैं जिस पर DVC अपना बिजली सप्लाई करती है। और सबसे इंटरेस्टिंग और मज़ेदार बात यह है कि DVC एक व्यापार संस्था है, वो एक बिजली का व्यापार करती है। उस मॉडल के तहत वो अपना कंज्यूमर उन्हीं लोगों को बनाता है जो लोग सभी चीज़ों से संपन्न, उनके कंज्यूमर लगभग सभी उद्योग वाले हुआ करते हैं, और इनको समय समय पर बकाया भी मिलता है, तो समय समय पर इनको पेमेंट भी हो जाता है। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों को, गरीबों को ये बहुत कम, नहीं के बराबर बिजली देते थे, और हमको ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली सप्लाई करने के लिए बहुत महंगे दाम पर बिजली खरीदने पड़ते थे, 5 रुपया प्रति यूनिट। अब ये ग्रिड बन जाने से हमारा 5 रुपया से घटकर 3 रुपया प्रति यूनिट आ जाएगा, जो आने वाला समय में हमारे पास उद्योग के भी कस्टमर होंगे और हम ग्रामीण क्षेत्रों को भी बढ़िया तरीके से बिजली दे पाएंगे। तो ये इस तरीके की कई चीज़ें हैं तो इसलिए सरकार का बिल्कुल स्पष्ट सोच है, और इस संक्रमण काल में भी हम अपने लक्ष्य को हम लोगों ने चिन्हित कर रखा है, और उन लक्ष्य के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे, और निश्चित रूप से इस राज्य को गति और राज्य के विकास के लिए सरकार दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ेगी और हर क्षेत्र के लोगों को उनकी व्यवस्थाएं उन तक पहुंचाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बातों को समाप्त करने से पहले पुनः बहुत सारी शुभकामनाएं और ढेर सारी बधाई देता हूं। धन्यवाद, जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय का, आपकी मार्गदर्शन, आपकी चिंता, आपकी
संवेदना और शुभकामना हेतु। और मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ सभागार में माननीय कृषि मंत्री श्री बादल पत्रलेख का। और जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने इस छोटे से समय में आप बहुत कुछ कहा और इससे इनकी चिंता साफ जाहिर होती है कि कैसे झारखंड के हर घर, झारखंड का हर घर रोशन हो। और अब समय आ गया है कि मैं सादर आमंत्रित करती हूँ श्री के वर्मा सर, प्रबंध निदेशक झारखंड ऊर्जा संचरण तक निगम लिमिटेड रांची को, कि आप माननीय मुख्यमंत्री महोदय एवं सम्मानित अतिथिगणों की गरिमामय उपस्थिति हेतु आज के कार्यक्रम में उन्हें धन्यवाद ज्ञापित करें। सर, आज का ऐतिहासिक समारोह इस बात का साक्षी है कि हम हमारी सरकार के विश्वास पर पूर्णतः सफल सिद्ध हुए हैं और हमारा जो ऊर्जा संचरण प्रणाली है वह सरकार के विकास के गति को, सरकार के उद्योग धंधों को, बड़े उद्योग को लगाने और छोटे उद्योगों को पर्याप्त बिजली देने, समस्त व्यावसायिक गतिविधियों को और आगे बढ़ाने के लिए हम पर्याप्त ऊर्जा देंगे।